रोशन की रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में आपके लिए लेकर आए हैं हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार। और हरी मिर्च का ये अचार जो है हम दो तरह से बनाएंगे। एक ही रेसिपी के अंतर्गत आपको बताएंगे कि क्या क्या सावधानी बरतनी है और किस तरह से आपको हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाना है। इंस्टेंट मतलब तत्काल जो है आप 2-3 घंटे के बाद आप अचार को जो है धूप में रखने के बाद खाना शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसके लिए हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट लिए हैं। हमने ये हरी मिर्च रखी हुई है और ये हमने जो है हरी मिर्च को 2 भागों में काटा हुआ है। ये सरसों का तेल है, ये थोड़ा हींग है, ये सौंफ है, थोड़ा अमचूर पाउडर है, 1/2 चम्मच अजवाइन लिया है हमने, सरसों काली ली है और ये राई है, साथ में नमक, हल्दी और मेथी दाना हमने आज इसके लिए रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम अचार के लिए हरी मिर्च सिलेक्ट करते हैं तो किस तरह की हरी मिर्चें हमें सेलेक्ट करनी है। यदि हमें अचार तीखा चाहिए तो हमें छोटी मिर्चें जो डार्क ग्रीन कलर की होती हैं वो मिर्चें लेनी चाहिए। वे मिर्चें काफ़ी तीखी होती हैं। और यदि हमें कम तीखा अचार चाहिए तो हमें इस तरह की मिर्चें जो है सेलेक्ट करनी चाहिए। और इसमें भी आपको ये चाहिए कि इससे भी थोड़ा सा कम तीखा चाहिए। तो हमने जो मिर्च के 2 भागों में काटा है इसमें से ये बीज हम इस तरह से इसके निकाल देंगे तो हमारा अचार जो है कम तीखा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 2 तरह का अचार बनाना क्यों आज रखा हुआ है। ये देखिए, ये हरी मिर्च है और हरी मिर्च के ऊपर जो है प्राकृतिक रूप से इसकी एक लॉकिंग हुई है। ये इंसेक्ट से और धूल मिट्टी से जो है मिर्च के अंदर ना जाए उससे इसको बचाता है। और जब हम अचार बनाने के लिए मिर्ची को धोते हैं तो मिर्ची के अंदर पानी जाने से भी ये रोकता है। और यदि मिर्ची के अंदर पानी चला जाता है तो आप ये समझिए कि आपके अचार की शेल्फ लाइफ जो है कम हो जाती है। जो हमने मिर्च 2 तरह की रखी हुई है, एक ये हरी मिर्च साबुत रखी हुई है और दूसरा जो है हमने हरी मिर्च को 2 भागों में काटा है। जहाँ पर हमको इस बात का पक्का पता था कि इसके अंदर पानी नहीं गया उसको हमने जो है 2 भागों में नहीं काटा है, उस मिर्च को हमने साबुत रखा है और हम उसमें मसाला भर के जो है साबुत मिर्ची बनाएंगे। और जहां पर मुझे डाउट था कि इस मिर्च के अंदर पानी गया है उसको हमने 2 भागों में काट लिया है। और 2 भागों में काट के इसको अच्छी तरह से पहले हमने धूप में सुखाया। धूप में सुखाने के बाद फिर जो है 1/2 घंटे इसको पंखे के नीचे मैंने सुखाया है। उसका कारण ये है कि जब हम धूप में सुखाते हैं तो एक हीट जो है मिर्ची के अंतर्गत आ जाती है और जब हम इसमें मसाला भरते हैं तो वो पसीज जाती है और उससे फिर पानी छूटता है। पानी छूटने के बाद में जो है हमारे मिर्च की सेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो आइए हम अपना मिर्च का अचार बनाना शुरू करें। परंतु मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मिर्च का अचार अक्सर हम ये सोचकर खाते हैं कि हमारा स्वाद इससे बढ़ रहा है। और इसके फायदे क्या हैं? एक नंबर एक, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये डाइजेशन के लिए जो है बहुत उपयोगी होती है। तो हम स्वाद में जो है एक परोक्ष रूप से जो है विटामिन सी जो है अपने अंदर लेते हैं अचार के रूप में। तो आइए हम शुरू करें अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम गैस जला लेते हैं और गैस जलाकर जो है हमारे ये जो मसाले हैं इन मसालों को जो है हम थोड़ा सा गर्म करके सेक लेते हैं ताकि अगर इनमें कोई नमी है तो वो नमी जो है ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये सरसों है, सरसों दाना, और ये राई हम जो है इसमें डाल रहे हैं, ये राई है, और इसके साथ ही ये मेथी दाना है, और ये सौंफ जो है हमने रखी हुई है। हम जो है इन सारे मसालों को जो है अच्छी तरह से सेक लेते हैं और इसके बाद जो है फिर हमें इन्हें जो है थोड़ा सा मोटा पीस लेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो है राई और सरसों हमने दोनों चीज़ ली है। आप चाहे तो काली सरसों की जगह पर पीली सरसों का भी उपयोग कर सकते हैं और इससे भी अचार में जो है इसका स्वाद बढ़ता है, साथ ही साथ जो है इसमें डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद होती है और साथ में जो है वो हमारे अचार की सेल्फ लाइफ को जो है वो बढ़ाती है। साथ में एक चीज़ और बता दूं कि जब हम राई का यूज करते हैं तो राई के दाने बहुत छोटे होते हैं सरसों के दानों की अपेक्षा,
तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर कोई पत्थर वगैरह न जाए, अन्यथा जो है हमारे अचार का पूरा स्वाद जो है खराब हो जाता है। हींग भी हमने इसके लिए रखा है, शायद हींग को मैं बताना भूल गया था, ये हींग है और ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल में हम अचार जो है बनाएंगे और ये देखिए हमारे मसाले गर्म हो गए हैं और हम गैस बंद कर देते हैं और जो है इसको जो है उतार लेते हैं और इसके बाद जो है मिक्सर में डालकर इसको जो है मोटा मोटा पीस लेते हैं। मिक्सर में डालकर जो है इसको दरदरा सा जो है पीस लेते हैं। हम अपने इस मसाले को पीसने से पहले जो है थोड़ा सा सरसों का तेल जो है गर्म कर लेते हैं जो हमें अचार के लिए यूज करना है, और इतना सरसों का तेल हमें डालना है ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से उसमें भीग जाए। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से पिस गया है और थोड़ा सा मोटा हमने रखा हुआ है। इसके बाद जो है हम इसे जैसे ही सरसों का तेल गर्म होने के बाद में थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद में इसको सरसों के तेल में अच्छी तरह से मिलाएंगे और उसके बाद जो है मिर्चों में मसाला भरेंगे। हमने सरसों के तेल को गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लिया है और अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मसाला हमने जो पीस के रखा था इसको इस बर्तन में डाल लेते हैं और इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं अमचूर पाउडर। ये थोड़ा सा धनिया हमने पहले नहीं लिया था, ये बाद में हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये धनिया हमने ले लिया है। और ये हल्दी पाउडर और साथ में ये नमक हम इसमें डाल लेते हैं और साथ में डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा हींग, और ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से जो है मिला लेते हैं। अब इसमें जो है धीरे धीरे करके जो है सरसों का तेल जो है वो अपना मिक्स करेंगे। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा नमक कम है, हम नमक थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। ये नमक हमने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। मिर्च हमारी लगभग 700 ग्राम थी, उसके हिसाब से नमक थोड़ा कम लग रहा था। और अब जो है सरसों का तेल इसमें जो है हम मिक्स कर लेते हैं। एक साथ पूरा तेल हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मसाला हमारा जो है थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, परंतु सरसों के तेल में अच्छी तरह से भीगना भी चाहिए। अगर सरसों के तेल में अच्छी तरह से नहीं भीगेगा, सूखा रह जाएगा, तो वहाँ पर जो है फंगस यानी फूई लगने का पूरा भय रहेगा। थोड़ा सा हम इसमें तेल और डाल लेते हैं, देखिए खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है, और थोड़ा सा तेल और डालेंगे, पूरा तेल यूज इसमें हम नहीं करेंगे। इसको 2 मिनट के लिए जो है सरसों के तेल में अच्छी तरह से सेट होने के लिए रख देते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से जो है भीग जाए और सरसों का तेल जो है वो अच्छी तरह से पी ले। हमारा मसाला अच्छी तरह से सेट हो गया है और हमने कुछ मिर्ची को पहले से भर दिया है और इसमें इस तरह से इसमें ऐसा कट करके देखिए, ऐसा कट लगाने के बाद जो है इसमें हम अच्छी तरह से जो है अपना मसाला जो है भर लेते हैं। इस तरह से पूरी मिर्चों में जो है मसाला अच्छी तरह से भर लेंगे और इसके बाद जो है इसको एक कंटेनर में जो है अच्छी तरह से रख देंगे। देखिए मिर्च में लंबा कट लगाया और इसमें जो है कट लगाने के बाद जो है ये अपना मसाला जो है हमने इसमें अच्छी तरह से जो है भर दिया। ये हमारा जो मसाला बचा हुआ है ये हमने अपनी कटी हुई मिर्चों के लिए रखा हुआ है। पहले हम इसे एक जो है कढ़ाई में जो है शिफ्ट कर लेते हैं। इसको हमने अपने एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और ऊपर से जो है अपना ये मसाला जो है इसमें जो है डाल लेते हैं और मसाला डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हमने जानबूझकर जो है मिर्चों को 2 भागों में काटा है, आप चाहें तो इसको 4 भागों में भी जो है काट सकते हैं। और मसाला अच्छी तरह से जब इसमें मिक्स हो जाएगा तो आप इसे कंटेनर में जो है भर के रख दीजिए और 2 दिन तक जो है
या दो तीन घंटे तक भी चलता है, दो तीन घंटे भी अगर आप इसको जो है धूप में रख देंगे और उसके बाद इसमें जो है खाना शुरू कर देंगे, इस तरह से जो है हमारा ये जो है मिर्च के अचार की रेसिपी हमारी जो है तैयार हो गई है। ये देखिए, ये दो तरह का अचार हमने एक ही रेसिपी में ले लिया है। ये कटी हुई हरी मिर्च का अचार है और ये साबुत भरी हुई मिर्च हमने रखी हुई है और इसे कंटेनर में रख देते हैं और दो तीन घंटे के लिए इसे धूप में रखने के बाद में इसे हम खाना शुरू कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज की हमारी रेसिपी आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए नई नई रेसिपी आगे लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।